की क्लास में हम आई थीसिस और एब्रेशंस पर न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। तो न्यूमेरिकल परफॉर्म करने से पहले हमें ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। एक तो हमें कार्डिनल पॉइंट्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए, अल्फा वन अल्फा टू, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट फोकस पॉइंट, सेकंड फोकस पॉइंट, की जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इनके फॉर्मूले हमने बता रखे हैं, डिराइव भी कर रखे हैं, तो वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हमने डिनोट किया था फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट को अल्फा वन, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की लोकेशन को अल्फा टू, और फर्स्ट फोकस पॉइंट की लोकेशन को बीटा वन, और सेकंड फोकस पॉइंट की पोजीशन को बीटा टू। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद एक्रोमेटिज्म की कंडीशन क्या होती है, ये ओमेगा वन बाय एफ वन प्लस ओमेगा टू बाय एफ टू, ये तब होती है जब दो लेंसेज अलग अलग मटेरियल के बने हों, तब ये कंडीशन यूज करके हम एक्रोमेटिज्म यूज करेंगे। उसके बाद अगर दोनों लेंस एक ही मटेरियल के बने हों तब हम एक्रोमेटिज्म के लिए ये कंडीशन यूज करेंगे। उसके बाद अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में पूछा हो कि स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज करने की कौन सी कंडीशन है, तो वो है कि दोनों लेंस की बीच की डिस्टेंस दोनों लेंस की फोकल लेंथ की डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल नंबर वन देखिए, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये है टू ग्लासेस हैव डिस्पर्सिव पावर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, देयर ग्लासेस टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एन एक्रोमेटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इन दो ग्लासेस हैं, इनकी डिस्पर्सिव पावर का रेशियो है 2:3। इन दो ग्लासेस से हमें एक्रोमेटिक लेंस बनाना है जिसकी फोकल लेंथ हो 20 सेंटीमीटर। हमें एक्रोमेटिक लेंस बनाना है जिसकी फोकल लेंथ हो 20 सेंटीमीटर। व्हाट आर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज, तो ये जो यूज हो रहे हैं लेंसेज इनकी फोकल लेंथ क्या है। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर गिवन है। तो गिवन लिखेंगे रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर मीन्स ओमेगा वन बाय ओमेगा टू हमें गिवन है विच इज 2:3 एंड, और हमें उसके बाद गिवन है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। हमें फाइंड क्या करना है, एफ वन भी हमें फाइंड करना है और एफ टू भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले यहां से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा रिलेशन क्या होता है। हम लिखेंगे फॉर एक्रोमेटिज्म, अब देखो यहां पर डिफरेंट मटेरियल के लिए एक्रोमेटिज्म का क्या कंडीशन होती है, ओमेगा वन बाय एफ वन प्लस ओमेगा टू बाय एफ टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस ओमेगा टू बाय एफ टू, यहां से हम 1/F1 की वैल्यू निकालते हैं, 1/F1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 मल्टीप्लाई 1/F2। ध्यान दीजिए, ये देखिए ओमेगा 1 अपॉन में, अब ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 कितना होगा 3/2, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 है 2/3, तो यहाँ पर ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 क्या होगा 3/2। तो 1 बाय एफ वन माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 1 बाय एफ टू, ये रिलेशन हमारे काम आएगा। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए अगर डिफरेंट मटेरियल के लेंस हो डिस्पर्सिव पावर के केस में, इस केस में दोनों लेंस हम क्या रखते हैं बिल्कुल कॉन्टेक्ट में लगा के रखते हैं, इस केस में दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। ये एक्रोमेटिज्म के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि जब डिफरेंट मटेरियल्स के लेंस हम यूज़ करते हैं तो वो लेंस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं दोनों, एक कॉन्केव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब दो लेंस कॉन्टेक्ट में होते हैं, 1/F1 प्लस 1/F2। ओके, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, F1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1/F1 की जगह, ये देखिए 1/F1 की जगह हम पुट कर देंगे माइनस 3/2F2 प्लस 1/F2, ये देखिए 1/F1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, 1/F कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दिया हमने 20 सेंटीमीटर, माइनस 3/2F2
तो यहां से हम क्या करेंगे, F2 कॉमन ले लेंगे, वन बाय टू कितना जाएगा माइनस थ्री बाय टू प्लस वन। ओके, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का वन बाय टू, और ये F2 आ जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई से F2 यहां 20 यहां, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो F2 हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, F1। तो F1 कैलकुलेट करने के लिए, तो 1 अपॉन F1 का जो फॉर रिलेशन था वो क्या था, माइनस 3 बाय 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन F2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपॉन F1 माइनस 3 बाय 2, और F2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस 10। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा 1 अपॉन F1 इक्वल्स टू, ये हो गया 20 बाय 3, और F1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 बाय 3 विच इज 6.67 सेंटीमीटर। तो एक लेंस पॉजिटिव है, एक लेंस नेगेटिव है, तो ये कॉन्वेक्स है और ये वाला कॉनकेव है। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ होगी माइनस 10 और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होगी 6.67। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ क्राउन ग्लास डिस्पर्सिव पावर 0.012 एंड ए कॉनकेव लेंस ऑफ फ्लिंट ग्लास डिस्पर्सिव पावर 0.020 सो डैट व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट दे फॉर्म एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें इन देखिए एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इस तरह से बनता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है, ये वाला F1 होता है, ये वाला F2 होता है। एक किससे बना हुआ है, क्राउन ग्लास से, डिस्पर्सिव पावर हमें गिवन है, तो ओमेगा 1 हमें कितना गिवन है कॉन्वेक्स लेंस के लिए 0.012, और F1 हमें कैलकुलेट करनी है, ये देखिए हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट द फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, और ओमेगा 2 ये देखिए दूसरा लेंस है कॉनकेव लेंस जिसकी डिस्पर्सिव पावर है 0.020 और हमें इसकी भी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ क्राउन ग्लास एंड कॉनकेव लेंस ऑफ फ्लिंट ग्लास सो डेट व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट दे फॉर्म एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी फोकल लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन में एफ वन एफ टू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में है तो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन F2 इक्वल टू 0, हमें इस बार ओमेगा 1 और ओमेगा 2 गिवन है। तो ओमेगा 1 कितना 0.012 बाय F1 और ओमेगा 2 कितना 0.020 बाय F2 इक्वल टू 0। तो कॉन्वेक्स लेंस का के लिए 0.012 है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं F1 F2 कुछ भी आपको फाइंड करना है फाइंड कर लीजिए 0.020 और यहाँ पर यह आ जाएगा 0.012 F1, ठीक है। अब ये पॉइंट हटेंगे अपॉन में 1000, ये पॉइंट हटेंगे अपॉन में 1000, वो कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से 1 अपॉन F2 आ जाएगा माइनस का 12 बाय 20 F1 और ये आ जाएगा 6.6 बाय F1। तो 1 अपॉन F2 कितना आ गया 0.6 बाय F1। अब हमें पता है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास इस केस में 30 सेंटीमीटर। ओके, 1 अपॉन F1 लिख दिया 1 अपॉन F1, 1 अपॉन F2 कितना माइनस 0.6 बाय F1,
तो यहाँ पर आ जाएगा 31 अपॉन एफ वन आ गया कॉमन, 1 माइनस 0.6 ये आ जाएगा 0.4 बाय एफ वन। ओके, तो एफ वन इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 0.4, तो ये कितना आ जाएगा, एफ वन इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। एफ वन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमें एफ टू निकालना है, तो 1 अपॉन एफ टू कितना है, माइनस 0.6 अपॉन एफ वन। एफ वन कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो एफ टू हमारे पास आ जाएगा 12 अपॉन 0.6 माइनस 20 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ वन एंड एफ टू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस हैव एन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। द कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइज द कंडीशन फॉर नो क्रोमेटिक एब्रेशन एंड मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन। Find the values of F1 and F2 and D. Assume that both the lenses are of the same material. देखिए पहला पॉइंट है, both the lenses are of same material. Two thin lenses of focal length F1 and F2 separated by a distance. दोनों के बीच में distance है. तो जब दो thin lenses के बीच में कुछ distance से separated होते हैं, तब उनकी equivalent focal length का formula क्या होता है, 1 upon F1 प्लस 1 अपॉन एफ टू प्लस सॉरी माइनस डी अपॉन एफ वन एफ टू, ये होता है फॉर्मूला। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। द कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर नो क्रोमेटिक एब्रेशन एंड मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन। फाइंड एफ वन एफ टू एंड डी। ओके, डी भी फाइंड करनी है और एफ वन एफ टू भी फाइंड करना है। तो किस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए क्रोमेटिक एब्रेशन भी नहीं है और स्फेरिकल एब्रेशन भी नहीं है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन जब नहीं होता तो क्या कंडीशन होती है, एफ वन प्लस एफ टू अपॉन टू। और स्फेरिकल एब्रेशन जब नहीं होता तब कंडीशन क्या होती है, एफ वन माइनस एफ टू। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो पहले यहाँ पर 1 अपॉन एफ वन एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा एफ वन एफ टू, यहाँ कितना आएगा F2 प्लस F1 माइनस डी, ये देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, स्फेरिकल एब्रेशन, तो F1 माइनस F2 इक्वल टू डी। और मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन भी फुलफिल हो रही है, तो F1 प्लस F2 अपॉन डी। इसका मतलब यहाँ से हम F1 की वैल्यू निकालें तो F1 की वैल्यू क्या निकलेगी, ये देखिए F1 D प्लस F2, D प्लस F2। इस F1 की वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं, F1 की जगह क्या पुट करेंगे, D प्लस F2 प्लस F2 अपॉन 2 इक्वल्स टू D। ओके, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास D प्लस 2F2 इक्वल्स टू 2D, और 2F2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास D माइनस में आ जाएगा, तो F2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास D बाय 2। तो F2 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया D बाय 2। तो F1 कितना आ जाएगा हमारे पास, F1 कितना D प्लस F2, तो D प्लस F2, F2 भी कितना D बाय 2, कितना आ गया ये 3D by 2, F1 आ गया हमारे पास 3D by 2 और F2 है हमारे पास D by 2, F1 3D by 2, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, F2 प्लस F1, F2 कितना 3D by 2, सॉरी F2 है D by 2 और F1 कोई बात नहीं 3D by 2 पुट कर लेते हैं, और F2 कितना है D by 2 minus D अपॉन में कितना है F1 F2, कितना हो जाएगा 3D by 2 multiply D by 2, 3D by 2 plus D by 2 हो जाएगा हमारे पास 2D, 2D minus D हो जाएगा D,
ये आ जाएगा d, और ये आ जाएगा हमारे पास 3d square by 4, तो हमारे पास आ जाएगा 1 by f equals to 4 by 3d, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, तो यहां पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लेंगे 50 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 4 by 3d। अब d हमें कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 200 by 3 कितना आ जाएगा, 66.67 सेंटीमीटर। अब d आ गया हमारे पास, d आ जाएगा, उसके बाद हम f निकाल लेंगे, f1 कितना होगा हमारे पास, देखिए d plus f2, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, जैसे कैलकुलेट करना है, f2 हो जाएगा d by 2, 66.67 अपॉन 2, ये कितना जाएगा हमारे पास, 33.33 सेंटीमीटर f2, और f1 कितना जाएगा, 3 इंटू डी, डी कितना, 6.67 अपॉन 2, तो आ जाएगा 33.33 मल्टीप्लाई 3, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा अपने पास 100 सेंटीमीटर, तो F2 आ गया हमारे पास 33.3 सेंटीमीटर और F1 आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर कैप्ट इन पोजीशन ऑफ लीस्ट स्फेरिकल एब्रेशन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स फॉर द सिस्टम। तो दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और F2 है 8 सेंटीमीटर, और लीस्ट स्फेरिकल एब्रेशन की पोजीशन पे वो रखे हुए हैं। तो लीस्ट स्फेरिकल एब्रेशन की कंडीशन क्या होती है, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 2 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों के प्रिंसिपल पॉइंट्स की पोजीशन निकालनी है। फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है डी एफ अपॉन एफ टू, और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है माइनस डी एफ अपॉन एफ वन। तो हमें पहले यहाँ पर एफ होती है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू माइनस डी अपॉन एफ वन एफ टू, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन एफ वन कितना है हमारे पास 10, F2 कितना है 8, माइनस d 2, F1 into F2 कितना हो जाएगा 80। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो LCM कितना आ जाएगा हमारे पास 80, 1 अपॉन F चल रहा है इक्वल्स टू LCM आ जाएगा 80, यहां पर आ जाएगा 8 प्लस 10 माइनस 2, 8 प्लस 10 माइनस 2, 18 माइनस 2, 16, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन f, यहाँ निकाल लेते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास 16 बाय 80 विच इज इक्वल टू 18 बाय 16 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करते हैं, d है 2, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 5, और f2 हमारे पास कितना है 8, आ गया 10 बाय 8, 10 बाय 8 को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर अल्फा 1। तो ये जो अल्फा 1 है ये लेंथ 1 से राइट साइड है, और यहां पे लिखेंगे द पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट इज एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट ऑफ द लेंथ 1। अल्फा 2 क्या होगा, माइनस डी, डी कितना है हमारे पास 2, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 5, और एफ वन कितना है हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम सेकेंड लेंथ।